बोकारो दिन भर में आज, पिंडरा जोला में आज फिर मिला शव। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर गिरी गाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं श्याम। आज चर्चा करेंगे मंदिर के प्रांगण के शिलान्यास की, रामायण की प्रस्तुति पेश करते दो बच्चों की, और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से किया इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। लेबनान की राजधानी बेरूत में दो धमाके में 78 लोगों की हुई मौत, 4000 से ज्यादा लोग हुए घायल। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोरोना पॉजिटिव। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 24 अंक गिरकर और निफ्टी 6 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 1100 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 6450 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब चलते हैं बोकारो। शुरुआत एक दिल दहला देने वाली घटना से। बोकारो के सेक्टर 9 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नवजात शिशु का रोड के किनारे शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सूचना पर जब हम पहुंचे तो देखे कि एकदम नवजात शिशु है और भ्रूण हत्या लगता है, कोई अज्ञात के द्वारा भ्रूण हत्या करके वहाँ लाश को फेंक दिया गया है। जो भ्रूण बरामद हुआ है उसको हम लोग इन्वेस्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और आगे किसके द्वारा ऐसा काम किया गया उसके बारे में हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। पिंडरा जोरा में उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब एक व्यक्ति का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान बीजेपी के महामंत्री मंथन प्रमाणिक के रूप में की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी ऐसी एक घटना पिंडरा जोरा से सामने आई थी। एक नजर मौसम पर। मंगलवार को हुई बारिश ने लोगों को उमस वाली गर्मी से छुटकारा दिला दिया है और आज भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और रिमझिम बारिश होती रही, लेकिन लगभग 5 घंटे बिजली गुल रहने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अलग अलग ऑफिस से ज़्यादातर वक्त जनरेटर की आवाज़ गूंजती रही। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जहां एक तरफ बिजली गुल होने से लोग परेशान हैं, तो वहीं इस बीच मन को खुश करने वाले दो बच्चों की प्रस्तुति सामने आई है। बोकारो के दो छोटे बच्चों ने राम जन्मभूमि के पूजन समारोह के अवसर पर सभी देशवासियों को संदेश देने के लिए रामायण की कुछ प्रस्तुति पेश की। जहाँ पूरा लॉकडाउन में सारे बच्चे घर में अपने मोबाइल और डिफरेंट तरह के गेम कर रहे थे, वहीं श्री वत्स और शिवम ने रामायण का एक झलक अपने घर में तैयारी करके लोगों को वायरल किया अपने वीडियो को। अगर जी लॉकडाउन में आपने इतना अच्छा नाटक किया और आपका वीडियो वायरल हुआ, ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कौन आपको सिखा रहा था? ये प्रेरणा हमें रामायण से मिली है, ये सब हमें माता पिता सिखाए। ये इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा टाइम लगा था। जो नाटक कर रहे थे उससे लग रहा था कि रामायण ही चल रहा है। एवं आप इतने छोटे हो तो जब आप ये रूप धारण कर रहे थे तो आपको क्या क्या गाइड लेना पड़ रहा था अपनी मदर से कि कैसे वो एक्टिंग करना है? और अब बात एक खास तरीके की मशीन की। धीरे धीरे अब सभी व्यवसाय खुल रहे हैं। आम जनों की सुरक्षा और प्रशासनिक गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए दुकानदार लोगों को सर्विस दे रहे हैं। जब हमारे संवाददाता बाजार का जायजा लेने निकले तो उन्होंने देखा कि सेक्टर 4 के एक दुकान में फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने वहां रुककर फॉगिंग मशीन के बारे में जानकारी ली। जानकारी थोड़ी लंबी है, इसलिए आज इसका अंश देखिए। इसका पूरा कार्यक्रम हम आपको कल दिखाएंगे, यानी गुरुवार को। सर, ऐसे
कोविड 19 के बाद ऐसे भी सैनिटाइजेशन और डिसइनफेक्ट का हर तरफ एक पुरजोर चल रहा है कि हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। ये प्रोसेस मतलब क्या यूज़ करते हैं हम इसमें? हाँ, ये सर बेसिकली कोल्ड फॉगिंग है। फॉगिंग बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कोल्ड फॉगिंग और हॉट फॉगिंग। कोल्ड फॉगिंग सर बेसिकली इंडोर के लिए होते हैं, हॉट फॉगिंग सर आउटडोर के लिए होते हैं। जैसे आउटडोर में क्या होता है, उसमें सर पीपल यूज डीजल एंड ऑल फॉर देयर सिस्टम। अच्छा। और कोल्ड फॉगिंग सर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, ये इंटॉक्सिक है सर। ये फर्स्ट चीज फैमिलियर विद द नेचर। अच्छा, मतलब इससे सांस वास लेने जी सांस लेने कोई तकलीफ नहीं है इसमें, फैमिलियर विद द नेचर है। और प्लस इसमें है कि इसमें हम इंटॉक्सिक कोई सामान यूज नहीं करते हैं। वाकई नई तकनीक के मशीन ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है और इस कोरोना काल में यह मशीन हमें हाइजीन रखने के लिए मददगार साबित हो रही है। हम चलते हैं बोकारो के चिराचास, जहां की मंदिर के प्रांगण का शिलान्यास किया गया। चिराचास नवीन कोऑपरेटिव में मेयर प्रत्याशी विनोद कुमार ने ऑनलाइन माध्यम से दुर्गा मंदिर प्रांगण का शिलान्यास किया। आज ये संयोग बना माता रानी के इस सच्चे दरबार का, श्री विनोद कुमार जी के द्वारा ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही शिलान्यास का कार्यक्रम किए हैं। वीडियो ऑनलाइन उद्घाटन उनके द्वारा कराया जा रहा है। मंदिर का विस्तारीकरण में हम जितने सारे भक्तगण हैं मंदिर के प्रांगण में आकर के मंदिर के विस्तारीकरण में अहम योगदान दे रहे हैं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा से हम लोग आज यहाँ पर मंदिर का एक्सटेंशन कार्य प्रारंभ किए हैं, उसका शिलान्यास हो रहा है और यह कार्य सफलतापूर्वक हो ऐसी आशा और कामना हम करते हैं। तो आज हम लोग का भी उमंग यहाँ पे सारे जनता को देखने को मिले, ताकि हम लोग का भी यहाँ उमंगता रहे। एक वहाँ उमंग हो रहा है, उसी उमंग को हम लोग शेयर करने के लिए यहाँ पे इस दिन का हम लोग चुनाव किए हैं। हम लोग के अगर सामूहिक अगर व्यवस्था बनी तो जरूर इसको यादगार हम लोग बनाने का पूरा प्रयत्न कोशिश करेंगे। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर गिरी गाज। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन भीड़ भाड़ वाले इलाके में छापेमारी कर रही है। इस सिलसिले में प्रशासन ने आज धनबाद के हीरापुर इलाके में छापेमारी की और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले 5 दुकानों को सील किया। भीड़ भाड़ वाले मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग और उसका उल्लंघन किया जा रहा है, इसी के तहत ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व बैंक की गई हीरापुर में किया जा रहा है, लगातार मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, पूरे जिला में लगातार छापामारी की गई है। प्रशासन के इस सख्त कदम के बाद आइए जानते हैं धनबाद डीसी ने कोरोना को देखते हुए आम जनों को क्या संदेश दिया। मेरी अपील कम से कम इन अर्बन क्षेत्रों में रहेगी हमारे दुकानदार भाइयों से, जो हमारे सब्जी बेचने वाले हैं या हाट बाजार चौक पे जो लोग रहते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारे दुकानदार हैं, उनसे अनुरोध होगा कि कृपया आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, अपने दुकान को साफ सुथरा रखें, सैनिटाइज करने की जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, अपने कर्मियों का जो एक थर्मल स्कैनिंग करना हुआ या फिर उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री रखनी हुई उसको प्लीज़ आप लोग प्रॉपर तरीके से संधारित करें, ताकि आने वाले समय में संक्रमण की रफ्तार को इन क्षेत्रों में कम किया जा सके। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के 9 प्रखंडों से। डॉक्टर हर्षा ने यूपीएससी की परीक्षा में 165वां रैंक लाकर पेटरवार का मान बढ़ाया। चंदन क्यारी प्रखंड के बरमसिया ओपी क्षेत्र में खेत जोतने के विवाद में हुए मारपीट को लेकर 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बेरमो प्रखंड के फुसरों में 2 अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मारी। दुकानदार गंभीर अवस्था में सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया, फिर बीजेएच रेफर कर दिया गया। चंदन क्यारी में एक कपड़ा व्यापारी को कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर श्रीनाथ ने कहा कि कपड़ा व्यापारी कई दिनों से धनबाद में इलाजरत थे। चंद्रपुरा में डीवीसी के ताप विद्युत केंद्र के नए मुख्य अभियंता सह परियोजना प्रमुख के पद पर प्रदीप कुमार सिकदर ने पदभार ग्रहण किया।
चंद्रपुरा में एक सप्ताह पहले 45 CISF और 34 चिकित्सा कर्मियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था, जिसका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। गोमिया प्रखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए गोमिया CI सुरेश वर्णवाल और थाना प्रभारी सृष्टिधर महतो ने मास्क लगाओ अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान प्रशासन ने 10 दुकानों को सील किया। पेटरवार प्रखंड के तेनू मेन रोड पर अज्ञात बाइक की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर मिलेंगे बोकारो दिनभर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर, आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।